तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी व्लॉग्स। तो गाइस यार, आज का दिन भी जो है रेडी हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो आज का आउटफिट कुछ ऐसा है, ब्लैक पजामा, ऑल ब्लैक बने हैं, बस बीच में एक छोटू सा हमने स्वेटर ऐड कर दिया है, शर्ट्स स्वेटर जो भी बोल सको आप इसको, मोटा थोड़ा जैकेट टाइप है तो ये ऐड कर दिया है। देखेंगे उतार देंगे क्योंकि ऑल ब्लैक भी अच्छा लगता है ना। तो थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, जिम जिम स्टार्ट करेंगे। तो बाकी यार ये H&M से लिया था ट्राउज़र, ये ना थोड़ा सा यहाँ से वो क्यों हुआ है पता नहीं, और ब्रांडेड हो पा मेरे डुप्लीकेट हो, दोनों का सेम ही हिसाब है। तो अभी चलते हैं बाहर घूमने फिरने, थोड़ा सा कुछ खाते हैं, साथ में आपसे करते हैं बात, आपको न्यू दिन के लिए दिखाते हैं कि बाहर क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है चलो फिर। तो गाइस बाहर आ चुका हूँ, तो आते आते एक पिछली से कार दिखी। अब यार गाड़ियाँ बहुत दिखा दी मैंने आपको यार, सारी गाड़ियाँ लाइक सेम ही है ना, सेम तो नहीं है, डिफरेंट है बट दिखा दी बहुत। तो अभी मैं जा रहा हूँ टिम हॉर्टन, जैसे कि आप सबको पता है कुछ ना कुछ तो ठूस लेते हैं, घर पे ठूसते यार, ब्रेड नहीं था तो कुछ खाते हैं बाहर जाके, मिलते हैं आपसे। तो गाइस सोचा था कि बाहर जा तो घूमने के लिए, बट याद आया कि मैंने वीडियो अपलोड ही नहीं करी है, तो चलते हैं घर पे, पहले वीडियो अपलोड करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो नेट का सिस्टम रहता है बड़ा गंदा रहता है, तो घर पे जाके वाईफाई के साथ ही करना पड़ेगा। तो वीडियो अपलोड करते हैं, फिर आपको कुछ बताता हूँ सिस्टम यहाँ का, नेट का सिस्टम बताता हूँ। तो चलते हैं घर पे पहले, फिर आते हैं बाहर फिर से वापस। ठीक है चलो चल चल के, लत्तों की ना मतलब ये वो हो गया है, बॉडी सी बन गई टांगों की ना, मस्त सी। अब मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, वहाँ पर जा सकते हैं, मैंने भी जाना। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं डाउनटाउन वाली साइड, एक्चुअली थोड़ा काम है वहाँ पे, और साथ में आज शाम को जो है वहाँ पे पार्टी है, पार्टी ऑल नाइट, तो हम जाएंगे इधर से क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल रहता है ना इस पे जाने से, मेरे को सांस फट जाता है यार। डाउनटाउन दिखाते हैं आपको आज। तो गाइस शेवरॉन, क्या नाम है इसका, शेवरॉन ब्राउन या ब्राउन शेबॉन जो भी है वो लिखा है यार, शेरबॉन शेर मतलब शेर बॉन, ई जो है साइलेंट में है। ठीक है तो देखो बिल्डिंग है यहाँ पे यार, वाह। स्कारबरो वाली साइड ना डबल स्टोरी नहीं है ना, बहुत रेयर है। ठीक है तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो सेक्सी लग रही हैं, यहाँ पे आके लग रहा है कनाडा आया हूँ। तो गाइस लुक एट दिस, मतलब कि जिधर स्कारबरो वाली साइड ना डबल स्टोरी मकान घर नहीं है, लेबरी दिन जा रहा भाई साहब, देख सकते हो बिल्डिंग्स कितनी प्यारी प्यारी लग रही हैं। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे मतलब मेन सिटी वाली साइड आ चुके हैं। तो भाई इस टावर को आप देख सकते हो, बस हम उस रोड से गए थे कल है ना, उसके सेंटर में से ऐसे गए थे फ्लाईओवर से ना, आज हम डाउनटाउन वाली साइड से जा रहे हैं, नीचे सिटीज में जा रहे हैं वो देखो ना। तो भाई इस कैनेडा की भी देखो, आपका भाई इंडियन ही रहेगा, इंडियन फूड खा रहा है चस्का से। Yeah.
गाइस कैसे हो सब। कल का क्या दिन था कि कल जो था मैं वापस आ चुका था डाउनटाउन से, और डाउनटाउन से आने के बाद मुझे याद आया कि यार मेरे को आप सबको वो बताना था कि सिम का क्या यहाँ पे सिस्टम रहता है। एक्चुअली सिम का क्या सिस्टम रहता है, आप जब सिम लेने जाओगे ना तो आपको बहुत सारे जो है सिम की वो मिल जाएंगी, कंपनीज मिल जाएंगी, लाइक फ्रीडम होता है, फेडो होता है, बहुत सारी है ना। फेडो तो कहते हैं कि अच्छी होती है, बट फेडो में ना मेरा जो है नहीं बन रहा था, सिम नहीं निकल रहा था, उस पर कुछ फॉल्ट आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फ्रीडम ले लिया, ठीक था फ्रीडम। फ्रीडम मुझे पड़ा $70 पे एक महीना, जिसपे मुझे 25 GB पर मंथ मिलेगा, मतलब कि पूरे महीने में मुझे सिर्फ 25 GB मिलेगा, ठीक है। 25 GB में मुझे सब कुछ करना है। वैसे तो कनाडा में आपको जैसे हर जगह जिधर भी जाओगे आपको वाईफाई, आपको कनेक्शन वाईफाई का मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं सब सारी जगह मिल जाएगा आपको, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो बस 25 GB मिलेगा क्योंकि मैंने $70 का लिया। आपके पास ऑप्शन होगा $50 वाला भी ले सकते हो, अगर $50 वाला लोगे तो उसमें आपको जो जीबी है 15 GB मिलेगा, या फिर 20 GB जितना भी होगा, जितने भी आपके जिस कंपनी के साथ आप जाओगे उसकी अपने अपने जो आगे जीबीज रहती हैं, ठीक है, जितने उतने में। फिर हर महीने मुझे रिन्यू करवाना पड़ेगा $70 देके। तो $70 अगर जैसे कि 25 GB मुझे एक्सेस में है, लाइक मुझे ज्यादा है क्योंकि मैं वाईफाई वगैरह यूज ज्यादा करता हूँ, अगर मुझे ज्यादा है तो फिर मैं जो है वाईफाई जो अपना नेट का जो जो मैंने पैक लिया वो मैं थोड़ा नीचे भी कर सकता हूँ, लाइक $60 का भी कर सकता हूँ, $50 का भी कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। बस यही कुछ बताना था आपको सिम के बारे में। तो फेडो का कहते हैं कि ज्यादा बढ़िया रहता है, बट फ्रीडम भी ठीक है। बेसमेंट वाली साइड जैसे स्टूडेंट्स आते हैं बेसमेंट ढूंढते हैं, बेसमेंट्स में थोड़ा सा थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, बट ठीक है, सब बढ़िया है, ठीक है। क्या करना है, वाईफाई वैसे भी व्हाट्सएप कॉलिंग ही होती है, अगर आपको इंडिया कॉल करना है, यहाँ पे जिसको कॉल करना है आप बाहर जाके भी कॉल कर सकते हो, वैसे फ्रीडम का आ ही जाता है यार, कॉलिंग हो जाती है, ठीक है, तो बढ़िया है। तो उसके बाद आप सबको बताना था कि डाउनटाउन मुझे कैसा लगा। तो यार डाउनटाउन जो था ना, गानों में तो काफी बार सुना है मैंने डाउनटाउन वगैरह, ये है बी टाउन, मतलब कि ब्रैम्पटन का भी ब्लॉग आ जाएगा, ब्रैम्पटन भी मैं गया था, तो ब्रैम्पटन के बारे में मैं आपको सारा बता दूंगा। तो डाउनटाउन कैसा लगा, डाउनटाउन इज लाइक बहुत ज्यादा बढ़िया, और जो वहाँ पे फंक्शन चल रहा था, इंडियन फेस्टिवल चल रहा था, टेस्ट ऑफ इंडियन, तो वैसे कुछ था। तो वहाँ पे खाने के लिए बहुत सारी कुजींस थी, आप कुछ भी खा सकते थे वहाँ पे लेके, तो बहुत अच्छा लगा कि गाने लगे थे इंडियन सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, हमने डांस करा, लास्ट में सिद्धू मूसेवाले भाई साहब का सॉन्ग लगा, तो काफी ज्यादा अच्छा लगा, फील हुआ कि हाँ भाई यार वॉच हमारे साथ नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं। बाकी बहुत मजा आया डाउनटाउन में, डाउनटाउन जाकर ही मुझे लगा कि हाँ भाई मैं कनाडा आया हूँ, क्योंकि डाउनटाउन का ना थोड़ा मतलब कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पार्क्स, उसमें फुटबॉल खेल रहे हैं लोग, साइकिलिंग कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कि हम टीवीज में देखते हैं वैसे कुछ, इधर भी बढ़िया है, इधर भी सब कुछ सेम है, बट वहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छा लगा मुझे, ठीक है, बाकी तो बढ़िया है। तो बस यही बताना था आपको, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी यार अगर व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आपको कनाडा के रिलेटेड काफी सारे जो है व्लॉग्स आने वाले हैं आगे, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रहेंगी, बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और साथ में इंस्टाग्राम पे जरूर जाके फॉलो करो, यार इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा कम फॉलोवर्स हैं, उधर जाके जरूर फॉलो करो क्योंकि उसमें अपडेट आता रहेगा आपको, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, बाय, टेक केयर।